हेलो एवरीवन, मैं रजत कुमार पारेख फ्रॉम हॉलीडे प्लान। एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉलीडे प्लान के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। तो जैसा कि इस चैनल पर हम रेगुलर बेसिस पर जो भी ट्रेवल अपडेट है, ट्रेवल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हम आपको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो जैसा कि आज की जो हमारी जो ट्रेवल इन्फॉर्मेशन है वो है ग्रीस वीज़ा के बारे में। अगर आप ग्रीस जाना चाहते हैं तो आप अभी ग्रीस का जो वीज़ा है वो आप ले सकते हैं। ग्रीस ने अपने सारे जो वीज़ा कैटेगरीज है वो अभी ओपन कर रखी है, दिल्ली मुंबई और जो भी इनके जो वीज़ा सेंटर्स हैं वहाँ पे ये वाली जो वीज़ा कैटेगरी है वो अभी स्टार्ट हो रखी है। तो आज हम इसके डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट और प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने अभी तक हमारा ये जो चैनल है वो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी जो ट्रैवल रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या जो भी अपडेट रहती है वो आपको ईजिली मिल पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट की नीड रहती है वो रहती है आपका पासपोर्ट, जिसकी जो वैलिडिटी है जब आप की जो ट्रैवल डेट है और जब भी आप रिटर्न आ रहे हैं उससे 6 मंथ बाद तक का वैलिड होना चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका हैंड रिटन भी हो सकता है और कंप्यूटर टाइपेड भी हो सकता है। और उसके बाद में जो नीड है वो है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के अंदर जो साइज़ है वो 3.5 × 4.5 का रहता है, और जो कि फोटो की जो साइज़ रहती है वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड है व्हाइट कलर 80% फेस कवर के साथ रिक्वायर्ड रहता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर के अंदर आप जिस भी वीज़ा सेंटर पे आप सबमिट कर रहे हैं आप अपनी एप्लीकेशन, तो उसी के नाम का आपको कवरिंग लेटर बना के देना रहता है। अगर आप एम्बेसी में सबमिट कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप एम्बेसी मेंशन करेंगे, अगर आप काउंसलेट में आप सबमिट कर रहे हैं तो काउंसलेट आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो एक सर्टन जो आपकी जो ट्रैवल डेट है उसका पूरा इंश्योरेंस होना चाहिए, जो ट्रैवल इंश्योरेंस रहता है। ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो में बता रखा है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कैसे क्या रहती है, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो नीड रहती है वो है होटल बुकिंग। आप जितने डेज के लिए जा रहे हैं उतने सारे डेज की आपको डे टू डे आपको होटल बुकिंग देनी रहेगी। उसके बाद में जब भी आप जा रहे हैं तो उसकी जो फ्लाइट टिकट रहती है, फ्लाइट टिकट के अंदर आपको रिटर्न टिकट देनी रहती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो डे टू डे टूर आइटनरी की। आप किस डे कौन सी जगह जाएंगे, आपका जो वहाँ का जो टूर प्लान है वो कैसे क्या रहने वाला है उसके बारे में पूरा बताना रहता है। उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट आती है वो है आपके पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, ITR हो गया, ये रहता है। तो ये जो रिक्वायरमेंट रहती है वो भी आप इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके ऑक्यूपेशन प्रूफ की। ऑक्यूपेशन प्रूफ के अंदर जो रहता है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है या आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कंपनी की तरफ से NOC और लीव लेटर और सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट वगैरह जो रहता है वो आपको देना रहता है, और जो कंपनी के बैंक स्टेटमेंट ITR जो रहते हैं वो आपको देना रहता है। और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये हमारा जो चैनल है वो अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।